हेलो बच्चों लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन है टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन विसिया फाबा एंड प्रपोज्ड दैट ऑप्शंस है वन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स इज सेमी कंजर्वेटिव टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कंजर्वेटिव थ्री रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कंटीन्यूअस 4 रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज यूनिडायरेक्शनल तो अगर हम टेलर का एक्सपेरिमेंट को देखें तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है हमारा तो पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो होते हैं जो फाइव प्राइम थ्री प्राइम और थ्री प्राइम फाइव प्राइम होते हैं वो डिवाइड करके दो कॉपीज बनाएंगे तो एक कॉपी जो है एक डॉटर सेल को जाएगा और दूसरा कॉपी जो है एक दूसरा सेल को जाएगा तो टेलर का एक्सपेरिमेंटल आउटकम क्या था तो अगर हम टेलर एक्सपेरिमेंट के बारे में देखें, टेलर ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया तो इन्होंने वर्क किया ऑन अ प्लांट कॉल्ड विसिया फैबा तो इन्होंने प्लांट्स को ग्रो कर लिया प्लांट्स के रूट सेल को ले लिया यंग रूट सेल्स और इनको मीडियम ने डाल दिया वो कंटेन करता है रेडियोएक्टिव एक्टिव थाइमिडिन रेडियो थाइमिडिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया तो so, थाइमिडिन क्या होता है स्पेशलिटी ये सिर्फ डीएनए में पाए जाते हैं फाउंड ओनली इन डीएनए आरएनए में नहीं मिलता तो थाइमिडिन मीडियम में जो रूट्स ग्रो हुए आई मीन रूट सेल्स तो क्या हो गया इसका डीएनए में हमारा थाइमिडिन ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या है हमारा डीएनए स्ट्रैंड है और यहाँ पे रेडियो एक्टिव ये है हमारा रेडियो एक्टिव टी न्यूक्लियोटाइड्स तो इसको हम इजीली आईडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्ट तो इस सेल्स को बाद में क्या हुई किया सेकेंड स्टेप में नॉर्मल मीडियम में नॉर्मल थाइमिडिन कंटेनिंग मीडियम में डाल दिया तो अभी क्या हुआ इन्होंने इस सेल्स को डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया तो ये डीएनए जो है ये डुप्लीकेट करेगा तो ये है हमारा डीएनए पेरेंटल डीएनए जो है वो पहले सेपरेट होता है करेक्ट तो इसको टेम्पलेट रखते हुए हमारा न्यू डीएनए सिंथेसाइज हुआ ये न्यू डीएनए है तो अभी क्या हुआ यहाँ पे हमें थेमिडिन मिला यानी रेडियोएक्टिव एक्टिव यहाँ पे कुछ था यहाँ पे भी था तो न्यू डीएनए जो है उसमें नॉर्मल टाइमिडिन है रेडियो एक्टिव नहीं है करेक्ट तो अभी क्या होगा इस सेल्स को अगर हम ऑब्जर्व करें क्या होगा एक स्ट्रैंड जो है वो रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड रखेगा और एक स्ट्रैंड जो है वो नॉर्मल स्ट्रैंड है विथउट था तो ये है वन सेल यानी वन डॉटर सेल और दूसरे डॉटर सेल भी ऐसे ही दिखेगा वन रेडियोएक्टिव रखने वाला स्ट्रैंड है वन नॉर्मल स्ट्रैंड है तो इससे क्या पता चला तो डॉटर सेल्स जो है डॉटर कॉपीज़ ऑफ़ डीएनए इसमें वन स्ट्रैंड जो है वो वन पेरेंटल स्ट्रैंड है वन स्ट्रैंड जो है वो न्यू है तो इससे कंक्लूड क्या किया टेलर ने टेलर ने कहा डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो हमारा आंसर क्या हो गया आंसर है डी रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोजोम्स इज सेमी कंजर्वेटिव तो आंसर है ऑप्शन वन होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट